हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने इंट्रो में देखा है कि हम बात कर रहे हैं रिवोल्ट RV 400 इलेक्ट्रिक बाइक की, जो इंडिया की फ्यूचर बाइक है और काफ़ी शानदार बाइक है, क्योंकि इतनी रेंज आज तक किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक में नहीं आई थी। इसके फीचर की बात कर लेता हूँ। जो इसकी रेंज है, जो सिंगल चार्ज में रेंज है, वो है 150 किलोमीटर आप जा सकते हैं एक चार्जिंग में। का जो ओडोमीटर है, ट्रिप्टोमीटर है, डिजिटल है, 4.5 घंटे में पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है, फुल चार्ज, और 150 किलोमीटर आप जा सकते हैं उससे। 3 तरह के राइडिंग मोड दिए गए हैं इसमें गियर्स नहीं है, सिर्फ राइडिंग मोड है। टैंक है जिसमें पूरी बैटरी रखी हुई है, और बैटरी साइज़ काफ़ी बड़ा है, और इसका वेट है लगभग 21 kg की बैटरी है। मैं दिखाऊंगा अभी। और ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसकी, और सीट हाइट मैं बताऊँ तो ये 814 mm की सीट हाइट है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है 215 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। दोस्तों, ये हमारी रिवोल्ट RV 400 की बैटरी है। इसका साइज़ देख लीजिए, कितने बड़ी बैटरी है, और इसका जो वेट है वो 21 kg का वेट है, काफ़ी हैवी बैटरी है। तो मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैंने ये चार्जिंग करी है, बैटरी निकाल के चार्ज करी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पॉइंट नहीं था। तो ये ऑप्शन भी है चार्जिंग का कि आप बैटरी को बाहर निकाल के चार्ज कर सकते हैं। तो इस बॉक्स को खोलने के लिए आपको राइट में की घुमानी पड़ेगी, राइट में, और ये आपका बॉक्स खुल जाएगा। और इसके बाद ये आप अपना बॉक्स हटा देंगे। और इस तरीके से बैटरी इसमें फिक्स हो जाती है। अब मैं इसको कनेक्शन कर रहा हूँ। जो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कनेक्शन लूज ना हो, वरना बाइक आपकी झटके लेके चलेगी इलेक्ट्रिक सिस्टम। और उसके बाद आपको ये MCB बटन है, इसको ऑन करना है, और बैटरी निकालते समय ये है MCB का बटन, बैटरी निकालते समय ये बंद करना है, और जब बैटरी लगा लें तो फिर ये ऑन कर देना। ये अब ऑन हो गया है। जब बैटरी निकालते हैं तो ये आपको जो की है इसको भी घुमाना पड़ता है, तभी ये बैटरी निकलेगी, नहीं तो अभी ये फिक्स हो चुकी है ताकि ये हिले ना। तो ये हमारी बैटरी फिक्स हो गई है। तो अब हम इसको बंद कर लेते हैं। इसमें भी आप कुछ सामान रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, मोबाइल रख सकते हैं, कुछ सामान रख सकते हैं इसके अंदर। तो इसको तो ये हमारी बंद हो गई बैटरी, तो ये बैटरी फिक्स हो गई। ये है, ये की यहाँ दे रखी है। इसमें एक तो ये अपना बॉक्स खोल सकते हैं बैटरी का, दूसरा आप सीट, आप राइट को घुमाएंगे तो आपका बॉक्स खुलता है, लेफ्ट को घुमाएंगे तो आपकी सीट निकल जाती है। और इसके अलावा मैं बता दूँ, इसमें बेल्ट सिस्टम दिया है। ये बेल्ट है जिससे हमारी बाइक चलती है, बेल्ट लगी हुई है, जो कि मोस्टली आपको सुपर बाइक में ही बेल्ट नज़र आएगी। बेल्ट से क्या होती है, आपकी मेंटेनेंस बहुत कम हो जाती है, लेकिन इसको साफ़ करते रहना चाहिए। इसकी मैं वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे सफाई करते हैं इस बेल्ट की। और ये डमी स्पीकर लगे हुए हैं, एग्जॉस्ट स्पीकर, इससे आपको बाइक में बहुत ही शानदार आवाज़ आती है, तो वो भी मैं आपको सुनाऊँगा। Thank you.
और ये की है, और मैं चार्जिंग बता देता हूँ। एक चार्जिंग तो मैंने दिखाया कि बैटरी को निकाल के कर सकते हैं, दूसरा चार्जिंग ये पॉइंट दे रखा है, ये देखिए ये है चार्जिंग पॉइंट, यहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हैं। अगर आपके कनेक्शन है 15 एम्पियर का कोई भी पावर पॉइंट है आपके घर पे, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये डिस्क ब्रेक है, 240 mm की डायमीटर की डिस्क ब्रेक है, CBS ब्रेकिंग सिस्टम है। ये पे बाइक में दो तरह की दी है, एक तो ये रिमोट वाली की है, इससे बाइक ऑन ऑफ और आप बाइक को लोकेट कर सकते हैं। दूसरा ये की दी गई है, इसमें आप बाइक को लॉक कर सकते हैं। तो मैं अभी बाइक ऑन करता हूँ। दोस्तों इसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। ये इसका पावर का ऑन ऑफ बटन है, इससे आप बाइक को ऑफ कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको रिमोट से ऑन करनी पड़ेगी, उसके बाद ये काम करेगा। और ये आपका किल स्विच है, इसमें आप बंद कर देंगे तो बाइक आपकी आगे नहीं बढ़ेगी, बाइक ऑन है लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। और एक और है कि अगर आपकी बाइक स्टैंड पे लगी है तब भी बाइक आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। ये दो सेफ्टी फीचर दिए हैं। ये हमारे राइडिंग मोड हैं, ये है फर्स्ट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, सेकंड और ये थर्ड। ये तीन तरह के राइडिंग मोड दिए गए हैं। और इस तरफ हैं आपके इंडिकेटर्स, ये जल रहा है इंडिकेटर आपका, राइट लेफ्ट, ये इंडिकेटर हो गया, ये हॉर्न हो गया, हॉर्न दिया गया है, ये व्हीकल पास करने के लिए ये भी आपका स्विच दिया गया है। और ये आपके मिरर्स काफ़ी शानदार है, लुकिंग मिरर्स बहुत ही अच्छे हैं। इसमें आप ये फीचर है कि आप अपने एग्जॉस्ट साउंड को भी ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बंद कर दिया, अब नहीं आएगी, और मैं ऑन करता हूँ ये आगे। तो ये 100% हमारी बैटरी चार्ज है। तो अभी हमने रात को ही चार्ज करी है, और ये 3 मोड पे है। तो कुल मिला के बाइक मैंने 1 मंथ यूज़ किया है, पूरे 1 मंथ यूज़ किया है, और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। सिटी के लिए ये बाइक बहुत ही शानदार है, सिटी में अगर यूज़ करते हैं विद इन आप 100 किलोमीटर है रेंज, या 150 किलोमीटर तक आप डेली का आपका अप डाउन है, तो उसमें आप ये बाइक यूज़ कर सकते हैं। अभी तक कोई मेजर इशू नहीं है, बारिश में थोड़ा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि IP65 इसकी वाटरप्रूफिंग है, जिसमें आप हाफ एन आवर तक तो बाइक सेफ रहती है, उसके बाद कुछ भी मतलब की दिक्कत हो सकती है। ये देखिए इसके हेडलैम्प देखिए, टेलीस्कोपिक इसकी हेडलाइट्स हैं, और काफ़ी बढ़िया लुक है, KTM ड्यूक की तरह इसका लुक दिया गया है। कुल मिला के बाइक काफ़ी शानदार है। तो मैं तीनों मोड में आपको चला के दिखा दूंगा कि तीनों मोड में क्या कितनी मैक्सिमम हम स्पीड ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने कुछ दावा किया है लेकिन जब रियलिटी आप देखेंगे तो वो अलग होती है। दोस्तों अभी हम हैं पीरागढ़ी वाले फ्लाईओवर पे, तो मैं तीनों मोड में आपको बाइक चला के दिखाऊँगा, आपको स्पीड का अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये मोड 1 जो कि है इकोनॉमी मोड, जो कि 140 किलोमीटर जा सकते हैं सिंगल चार्ज में, और मैक्सिमम स्पीड है वो 45 किलोमीटर है। तो हम टेस्ट करते हैं कि हम पूरा एक्सीलेटर दे के देखते हैं कि ये कितनी मतलब कि 45 जाती है, इससे कम जाती है। तो चलते हैं पहले मोड पे। पे आ चुकी है 43, और मैंने पूरा एक्सीलेटर दे रखा है, अभी 43 ही शो कर रही है। पहले मोड पे ये 43, क्योंकि या तो हवा का जो प्रेशर पड़ रहा है, विंड ब्लास्ट हो रहा है, उसकी वजह से शायद पूरी स्पीड नहीं ले पा रही है। पिछले 10 मिनट से मैं बाइक चला रहा हूं, लेकिन ये 43 से ऊपर नहीं गई है। तो 45 का जो दावा है उसमें अभी या तो विंड ब्लास्ट है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन 43 से ऊपर नहीं जा रही है मैक्सिमम स्पीड। अब हम सेकंड मोड को चेक करेंगे। तो ये मैंने सेकंड मोड कर दिया, ये आ गया, इंडिकेट हो गया सेकंड मोड है। तो अब हम चलते हैं सेकंड मोड पे, और ये हमारी बाइक भाग रही है 58,
59, 60 पे पहुंच चुके हैं, 61, 60, और ये पूरा मैंने एक्सीलेटर दिया हुआ है इसका, लेकिन 60 से ऊपर नहीं जा रही है, और कंपनी का दावा है 65 किलोमीटर मैक्सिमम, 61, 60। टॉर्क इसमें बहुत ही शानदार है, टॉर्क सुपर बाइक का टॉर्क है इसके अंदर, 170 NM टॉर्क, जो सिर्फ सुपर बाइक में देखने को मिलता है। 61, 62 से ऊपर नहीं गई है, मोस्टली 61 तक ही रही है। अभी वापस हम जाएंगे फ्लाईओवर पे और मोड 3 चेक करेंगे। बाइक में कंट्रोल बहुत ही शानदार है, क्योंकि हल्की बाइक है, 108 किलो वेट है इसका बाइक का, और हैंडलिंग भी बहुत ही इजी है, बहुत ही जैसे आप घुमाओ वैसे घूम जाती है। और जो कि मेरी डोमिनार है वो मोर देन 200 kg की बाइक है, तो उसको हैंडल मोड़ने में ही आधी जान निकल जाती है, बहुत संभालने में ही बहुत ताकत लगती है। अब हम फ्लाईओवर के ऊपर जा रहे हैं, तो अब हम करेंगे मोड 3 पे। अब मोड 3 पे मैं आपको दिखाऊंगा चला के, ये मैंने किया, ये मोड 3 हो गया है, तो अब हम चलते हैं मोड 3 पे। कंपनी का दावा है 85 किलोमीटर, और हम चलते हैं देखते हैं कितनी जाती है। 65 हो गया है, 70 हो चुका है, 72, 74, 75, 81, 80, 80 किलोमीटर पे पहुंच गए हम, 80, 80, 80, 82, 81। तो ये अभी हम तीसरे मोड पे चल रहे थे, तो मैंने आपको तीनों मोड दिखा दिया। फर्स्ट मोड पे हम 43 किलोमीटर स्पीड पे गए, सेकंड मोड पे हम 60 तक गए, थर्ड मोड पे हम 80 तक गए, जबकि कंपनी का दावा है 45, 85 और 65, लेकिन ड्यू टू सम विंड ब्लास्ट है, हो सकता है कि हमें पूरी स्पीड हमें नहीं मिल पा रही हो, तो हमने ये टेस्ट किया है स्पीड का। तो दोस्तों मैं इसकी कुछ की फीचर बता देता हूँ इस बाइक के। बाइक में इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो 3 kW की पावर देती है बाइक को, और टॉर्क पैदा करती है 170 NM का, और इसका वेट है 108 kg, और जो हाइट सीट हाइट है वो 814 mm की सीट हाइट है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है 215 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे रखा है, क्लॉक दे रखी है, डिजिटल ट्रिप मीटर दे रखा है, डिजिटल ऑडोमीटर दे रखा है, डिजिटल स्पीडोमीटर दे रखा है, लो बैटरी इंडिकेटर भी है इसके अंदर, LED टेल लैंप दे रखा है, और ये बाइक सेल्फ स्टार्ट है जो रिमोट कंट्रोल से ही स्टार्ट होती है। इसमें अलॉय व्हील दे रखे हैं 17 इंच के दोनों तरफ, और टायर साइज है फ्रंट का है 80x70 का, और MRF का टायर है, ट्यूबलेस टायर है, और रियर का है 120x70 का, और दोनों ही MRF के टायर ट्यूबलेस टायर हैं, और दोनों ही तरफ डिस्क ब्रेक दे रखी है, 240 डायमीटर की डिस्क ब्रेक है, और जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो है CBS, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है CBS, जिसमें अगर एक भी ब्रेक, कोई भी साइड की ब्रेक दबाएंगे तो दोनों ब्रेक एक साथ आपको यूज़ होंगी। बैटरी की बात कर लेते हैं, बैटरी 21 kg की बैटरी है, और इसकी कॉस्टिंग लगभग 60 से 70 हज़ार की कॉस्ट है बैटरी की, और ये 4.5 आवर में फुल्ली चार्ज हो जाती है, और एक चार्ज में ये कंपनी कहती है कि 150 किलोमीटर बाइक जा सकती है, और ये लिथियम आयन बैटरी है। प्राइस की बात करूं तो रिवोल्ट 400 का प्राइस है 1,29,000 पे कैश डाउन में, अगर आपने इंस्टॉलमेंट में लेना है तो 3,499 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट है, 3 साल के लिए 37 इंस्टॉलमेंट है, और 3 साल की ही कंपनी वारंटी देती है। कोई भी आपका डिस्क ब्रेक कुछ भी खराब हो जाती है, डिस्क पैड या टायर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अलॉय में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेस करके देती है। 3 सर्विसेज मिलेंगी आपको, फ्री सर्विसेज, उसमें आपको पूरी बाइक की इंस्पेक्शन होती है। तो दोस्तों इस बाइक के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कराएंगे। तो दोस्तों आपको कोई भी क्वारी हो इस बाइक के बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम, जय हिंद, सायोनारा। We'll be right back.